नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो राज्य में अभी जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतों जो बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है, इससे खासे लोग परेशान हैं। आपको मैं बता दूं कि बोकारो की अगर मैं बात करूं तो बोकारो में कुल जो है डीजल में 36 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 35 पैसे पेट्रोल में भी बढ़ोतरी आके गए हैं। लिहाजा आम लोगों को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना भी अब करना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, अगर डीजल की अगर मैं बात करूं तो अब बोकारो में 99.66 रुपये प्रति लीटर डीजल मिलने लगे हैं, जबकि अब पेट्रोल जो है 100 पार कर गया है, यानी 116 पैसे पेट्रोल जो है बोकारो में अब बिकने लगे हैं, जिसका सीधा असर अब लगातार इन बाज़ारों पर भी पड़ेगा और किसानों पर भी सीधा असर पड़ सकता है। लिहाजा सब्जी के कीमतों में भी अब वृद्धि होने की संभावना है और लगातार जो महंगाई जो है अब लगातार महंगाई बढ़ने से आम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। हम आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल पर खेती भी आधारित है और जिससे किसान जो है खाद्य पदार्थ भी इसी से पटवन करके, यानी डीजल से पटवन कर खेती यानी खाद्य पदार्थ को भी उपलब्ध करवाते हैं। लिहाजा इन डीजल की दामों में जो जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, लिहाजा आम लोगों को काफ़ी इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और चौतरफा महंगाई का मार भी झेलना पड़ेगा। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है मामला और इसके दाम बढ़ने से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं आप बताएं कि जिस तरीके से जो, तो आप खुद बताएं कि क्या है जो जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं। मैडम आप ये बताइए कि कितने डीजल का पेट्रोल का आप बता सकते हैं पेट्रोल पंप के? आज पेट्रोल डीजल का दाम 32 पैसे बढ़े हैं, डीजल का 32 पैसे, पेट्रोल का 36, पेट्रोल का 32 पैसे और डीजल का 36 पैसे का दाम आज बढ़ोतरी हुई है। आपको क्या लगता है कि लगातार जो महंगाई जो बढ़ रही है, इससे लोगों को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? इससे तो बहुत सारा चीज़ रिलेटेड है, तो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ बढ़ेगा तो हर चीज़ का महंगाई बढ़ेगी। बेशक इसके दामों में जो इजाफा जो हो रहे हैं, इससे बेशक ये कहा जा सकता है कि आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी आप बताओ कि जिस तरीके से पेट्रोलियम और पदार्थों के जो कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, जी आप बताइए कि जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों के जो कीमतों में 35% की फिर बढ़ोतरी 35 पैसे की जो हुई है, कितना लोगों को परेशानियों का सामना करना? बहुत लोगों को परेशानी है, सारे व्यापारी वर्ग, हर वर्ग के लोगों को, गरीब लोग, सब लोगों को परेशानी है। डीजल और तेल हम चाहेंगे कि इसको कम करें, महंगाई कम करें, पेट्रोल डीजल का दाम कम करें। जी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि लगातार महंगाई जो बढ़ रहे हैं उसको, इसके कीमतों में घटोतरी करनी चाहिए, कि आप महंगाई लगातार बढ़ रहा है, आप क्या कहोगे सरकार से, महंगाई कम होना चाहिए या क्या? कम होना ही चाहिए, इतना महंगाई होने पर देख रहे कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो चुका है, आदमी कहाँ से चलेगा, खाएगा पिएगा? जो आदमी डेली मजदूर कमाने 250 रुपये जाता है कमाने के लिए, कहाँ से तेल के लिए, खाने पीने के लिए जुटेगा? 200 रुपये किरासन पी, क्या बोल, सरसों तेल भी महंगा हो चुका है, कहाँ से खाने के लिए? सुविधा तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ महंगाई पे महंगाई बढ़ा जा रहा है, और क्या बोल सकते हैं। इतने देखिए ये कहा जा सकता है कि ये महंगाई जो है लगातार बढ़ रहा है और इससे लोग काफ़ी आहत हैं और इससे लोग परेशान भी हैं और लोग जो है सरकार से लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि महंगाई जो है उसको कम होना चाहिए। हमारे साथ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। महंगाई लगातार बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के कीमतों में फिर 35% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई तो बहुत चरम पे है, इससे सभी आम जन को परेशानी हो रही है और ये महंगाई सरकार द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, यही मेरा कहना है। देखिए बेशक चाहे जिनसे मैं बात कर लूँ, तमाम लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि महंगाई जो है महंगाई घटना चाहिए और लगातार जो महंगाई जो बढ़ रहे हैं इससे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी आप बताएं कि महंगाई जो लगातार जो बढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जीना लोगों का मुहाल हो गया है, पेट्रोल का दाम, हर सामान का दाम बढ़ गया है। अब हम जो नौकरी कर रहे हैं या जो किस काम में है तो वो तो ठीक है, क्योंकि जो रोज़ कमाने खाने वाले वो कहाँ से लाएंगे? हर चीज़ का प्रिंट प्राइस 30% बढ़ गया है, आप मार्केट में घूम के देखिए। देखिए बेशक ही कहा जा सकता है कि तमाम लोग एक ही बात बोल रहे हैं। जी आप बताइए कि जिस तरीके से जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, पहला चीज़ है कि पेट्रोल बढ़ना घटना वो
बड़ी बात है नहीं, लेकिन हम लोग जो अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, हम लोग का तो सैलरी तो बढ़ नहीं रहा। अगर सैलरी बढ़े तो हमें पैसा अगर एक रुपया बढ़े या दो रुपया बढ़े पेट्रोल में देने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का सैलरी बस उतना ही मिल रहा है और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। तो जा सकता है कि लगातार जो है किरायों में भी इजाफे हो रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों में स्वाभाविक भी है कि जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अगर वृद्धि होगा तो ये बेशक कहा जा सकता है कि वृद्धि के साथ साथ आम किराया जो है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी और बढ़ने का इसका सीधा जो है बोझ जो है आम पब्लिक पर पड़ता है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।